मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस स्कूल से पढ़ के गई और आज मुझे ये दिन देखना पड़ा कि मैं आज इसी स्कूल में टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे इस स्कूल से बहुत प्यार है, मुझे ये मतलब स्कूल नहीं लगता, अपना घर जैसा परिवार लगता है। यहाँ पे MSDM स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स है जो बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एक एक से सबसे जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैडम आपका शुभ नाम? जशनप्रीत कर। आप कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं? सर फिलहाल मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। पहले मैं स्टाफ के साथ ही थी, अभी इन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाते हैं और इन्होंने मुझे अपने साथ अपना गेस्ट मतलब कि अपना फैमिली मेम्बर बना के रखा हो अभी तक। यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, फैमिली मेम्बर बहुत अच्छी बात है। मैडम आपका शुभ नाम? मिसेस सीमा रानी। आप बच्चों को कौन सी क्या पढ़ाती हैं? मैं नर्सरी क्लास के ऑल सब्जेक्ट लेती हूँ। नर्सरी क्लास के बच्चों में तो काफ़ी संभालना पड़ता रहा। हाँ जी सर, लेकिन उनके साथ एक दोस्त की तरह पेश आओ तो कोई मुश्किल नहीं है। परेशान तो नहीं करते छोटे बच्चे? काफ़ी परेशान करते हैं। नो परेशान नहीं करते, बस ऐसे फ्रेंडली बिहेव करते हो। ओके मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम मिसेस ज्योति चोपड़ा है। जी सर, मैं सारे स्कूल की मैथ्स की टीचर हूँ। सर क्या बात है, सबसे मुश्किल और टफ सब्जेक्ट मैथ्स होता है। मैडम का कंबाइन सब्जेक्ट भी है, तो कुछ जानकारी दीजिए मैथ्स के बारे में। सर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, मुझसे ज़्यादा, कई बार तो मुझसे ज़्यादा भी वो कर जाते हैं। सर क्या बात है? बहुत अच्छे बच्चे हैं और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ स्कूल का पार्ट होकर, और मैं हमारे प्रिंसिपल मैम का एक स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ जिसने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि मैडम टीचर प्रिंसिपल मैडम आपको दबाव? नहीं सर, मैं झूठ नहीं है सर, सभी टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार मिला स्कूल से और आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। जो टीचर मैडम बता रही हैं काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है, इसके पहले मैं 10-11 महीने पहले आया था कोविड के समय पे, तो काफ़ी सपोर्ट मिला था। तो ये बात हकीकत में कि यहाँ के लोग जो सपोर्ट बच्चों के साथ भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैडम आपका नाम? Myself संचिता संजीवनी झा, एज अ सुपरवाइजर आई एम वर्किंग हियर। सुपरवाइजर तो आपके पूरा मतलब कॉलेज स्कूल पूरे आपके देख रेख में होगा, तो कैसे देख रेख करती हैं, कैसे मैनेज कैसे करती हैं? जैसा कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि असेंबली हमारी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, ये चीज़ें ध्यान रख के बच्चे वेल ड्रेस्ड आ रहे हैं, टाइमली आ रहे हैं, ये एक स्पेशल नींव होती है बच्चे की, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो ये जब हम वहाँ से डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को तो अपने आप बच्चों में पता आ जाता है कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं पे हमको बहुत सारी मोरल्स से रिलेटेड भी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, बच्चे खुद के थॉट्स लिख के आते हैं, उनसे भी पता चलता है कि बच्चों की क्या सोच है। ऐसे ही सारे क्षेत्र में जैसे ड्रेस एंड डायरीज, बुक्स एंड आपके होमवर्क, क्लास वर्क, टीचर्स के साथ बिहेवियर, फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर, सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। कहीं ये सब मैनेज करने में कहीं तकलीफ तो नहीं आती आपको? नहीं सर, क्योंकि मैं 18 साल से सर्विस में हूँ और ये मेरे लिए एक परिवार की तरह है। जैसा कि यहाँ भी मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, प्रिंसिपल मैम, हमारी कोऑर्डिनेटर मैम गुरप्रीत मैम और MD सर हमारे बहुत ही अच्छे परिवार वाला माहौल देते हैं ताकि टीचर्स अपना बेस्ट दे सकें, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ प्रिंसिपल मैडम है, मैडम से बात में चर्चा करेंगे। ये साइंस की टीचर है और काफ़ी बच्चों में काफ़ी जागरूक पैदा करती हैं और एक सही दिशा में काम कर रही हैं। एक बार वापस से आपका स्वागत, और आपका नाम एक बार वापस से आप क्या पढ़ाती हैं वापस से बताइए। सर मैं साइंस टीचर हूँ और जूनियर क्लासेस का EVS और उसी केस के बाद फिर साइंस शुरू हो जाता है उनका वही, और एक दो क्लासेस का मैथ्स भी है मेरे पास। तो मुझे यहाँ आकर एक अलग सा इन्वायरमेंट लगता है कि वो बच्चे जिनको जिस चीज़ से वो उठे ही नहीं उस चीज़ से उनको उठा के किसी और लेवल पे लेके जाना, ये मेरे को अपने आप में एक मन में बड़ी कंटेंटमेंट सी होती है कि वो बच्चे इस तरह का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है आपका कि प्राइवेट स्कूल में तो हर चीज़ फैसिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट के स्कूलें होती हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, और टैलेंट है उसको देन दे कैन डू एनीथिंग। बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम। मैडम से इससे पहले भी हम मिल चुके हैं,
मैडम एक बार वापस आपका परिचय दीजिए और दर्शकों को वापस से बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट। मेरा नाम मिसेस अंजना शर्मा है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरे पास भी सर कंबाइंड सब्जेक्ट है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ के स्टाफ एमडी सर, प्रिंसिपल मैडम? स्टाफ सर बहुत कोऑपरेटिव है, हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारी सुपरवाइजर मैम, सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव है, एंड आई फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बहुत धन्यवाद। मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम श्वेता है। वैसे मैंने ये स्कूल अभी ज्वाइन किया, मैं न्यू ज्वाइनर हूँ। कब से ज्वाइन किया? सर मुझे अभी 20 दिन कुछ हुए हैं। क्या बात है। अभी 20 दिन के अंदर आपको कैसा महसूस हो रहा है कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, क्योंकि अभी नए नए में थोड़ा तकलीफ होती है? नहीं सर, तकलीफ वाली वैसे कोई बात नहीं है, जितना मैंने जाना है सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो मिसेस गुरप्रीत मैम है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर हमारी सुपरवाइज़र मैम है ना, गुरप्रीत मैडम कहीं आपको? नहीं सर, सभी करते हैं, जितना मैंने जाना है स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी से कोई हेल्प लो सभी करते हैं। और वैसे भी सर जैसे एमडी सर हैं और मैम हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वो बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं, एक ऐसा ऑर्नामेंट दे रहे हैं दैट कैन नॉट बी स्टॉलन, एजुकेशन दैट कैन नेवर बी स्टॉलन। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इसका पार्ट हूँ और आपने भी मेरे व्यूज़ जानने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। हम धन्यवाद अपने को करते हैं कि आप जैसे लोग एक परिवार के जैसा यहाँ पे सिखा रहे हैं। मैडम आपका नाम? पूजा कम्बोज, UKG क्लास टीचर हूँ मैं और 6 साल से स्कूल से जुड़ी हूँ। इसके पहले भी हम मैडम से मिल चुके हैं, इनके पहले भी उस टाइम काफ़ी शर्मा रही थी मैडम। हाँ जी सर, एक बार वापस से बता दीजिए। सर मेरा नाम पूजा कम्बोज है, UKG क्लास की टीचर हूँ और 6 साल से स्कूल में जुड़ी हुई हूँ। तो आप मतलब सब बताने की ज़रूरत नहीं कि 6 साल से जुड़े, तो काफ़ी सपोर्टिव परिवार है यहाँ पे, एक परिवार है यहाँ पे। मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम मोनू है, मैं LKG क्लास का स्माइल। डरिए मत, पहले स्माइल करिए, डरिए मत, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। जो बताएंगे एक समाज को एक मैसेज, आप क्या पढ़ाती है और यहाँ के स्कूल के बारे में आप कुछ अच्छी चीज़ें बताइए। सर मैं इसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, 8 नहीं 11 साल में स्कूल से पढ़ी हूँ। आराम से एक लंबी सांस लीजिए और फिर बताइए, डरिए मत कैमरे को। मैं मोनू के बारे में इधर आइए। इस टीचर के बारे में बताने से पहले प्रिंसिपल मैडम कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि ये बच्ची यहाँ से पढ़ी हैं और आज यहाँ पे बच्चों को सिखाने काम का जो काफ़ी गर्व की बात है स्कूल के लिए। पहले प्रिंसिपल मैडम से जानेंगे इनके बारे में। आप नर्वस मत होइए, ठीक है? ये मोनू है, ये हमारे स्कूल की सबसे पहली छात्रा है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब ये बच्चे ऐसे बच्चे पढ़ के और फिर दोबारा इस स्कूल में हम अपनी सेवा देने के लिए आते हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व है इसके ऊपर। और मैं चाहूँगी कि ऐसे हमारे और भी बच्चे निकले जो हमारे स्कूल में अपनी सेवा दे सकें। मोनू जो काफ़ी भावुक हो चुके, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ी है आज उसी स्कूल में उन्हें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मुझे भी थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलना है दिल से बोलिए और कैमरे में देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस स्कूल से पढ़ के गई और आज मुझे ये दिन देखना पड़ा कि मैं आज इसी स्कूल में टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे इस स्कूल से बहुत प्यार है, मुझे ये मतलब स्कूल नहीं लगता, अपना घर जैसा परिवार लगता है। और प्रिंसिपल वो मैडम से और जो हमारे बड़े सर हैं उनसे मुझे बहुत प्यार है। 1 से 10, 10वीं तक 10 से 12 साल आपने यहाँ पढ़ाई की? पढ़ाई की कॉलेज करने के बाद और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आई और इनकी वर्डिंग्स थी कि मैं जब तक काम करूँ मैं चाहती हूँ कि मैं इसी स्कूल में काम करूँ। क्या बात है। मेरी हमेशा से यही इच्छा है कि जब तक मतलब मैं रहूँ तो मैं इसी स्कूल में काम करूँ। और यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ रहते हैं। मतलब आपका कहना है मतलब जब तक आप यहाँ से रिटायर नहीं हो तो तब तक दूसरे स्कूल में जाना ही नहीं है? नहीं। क्या बात है, ऐसे ही एनवायरनमेंट अच्छा है और आशा करेंगे कि इनकी जो इच्छा दिली तमन्ना है कि जो स्कूल से पढ़ी हैं आज वहीं से बच्चों को एजुकेट करें और यहाँ से रिटायरमेंट लें, दूसरा स्कूल दूसरे कहीं जॉब करना नहीं है, पक्का? नहीं। बहुत अच्छी बात है। हमारे कोऑर्डिनेटर जो गुरप्रीत कौर जी हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हैं,
इनसे राय लेते हैं, देखते हैं इनकी क्या कहना चाहती हैं स्कूल के बारे में। नमस्कार सर, मैं MSDM स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और इस स्कूल के प्रबंधक श्री SCR राजभर जी और प्रिंसिपल साहिबा श्रीमती वीना भारद्वाज और हमारे साथ नए जुड़ने वाली हमारी सुपरवाइज़र और मेरी टीम, सबका जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तभी हम किसी कार्य को, किसी इंस्टीट्यूशन को कॉन्टीन्यूसली रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। जब तक किसी का सपोर्ट ना हो तो एक अकेला कोई भी कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपका भी सर, आपके चैनल का भी, राजभर एक्सप्रेस का भी धन्यवाद करती हूँ। आप आए और हमारे बच्चों के रूबरू हुए और हमारे बच्चों को जाना कि यहाँ एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्लम एरिया के बच्चे बहुत ही कम जो है फीसेस पे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और टीचर्स का कॉपरेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं। कोविड काल में शायद हम लोग पहले मिले थे तो उस समय जो है और इस समय में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन बहुत अच्छे से वापस हम उस सिचुएशन को, उस जो सब पर वो महामारी आई उसको कवर कर चुके हैं और बहुत खुश हैं कि हम पहले जैसा सारे बच्चे खिलते खिलते जैसे फूल खिले हैं वापस से वैसे खिल के, और हम सब एक छत के नीचे एक फैमिली के साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका भी, आप हमेशा हमें ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद सर। ज़रूर साथ देंगे, आप जैसा लोग, जिस हिसाब से आपका परिवार है, परिवार के जैसे हैं, तो एक अटैचमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, हमें जब जब भी मौका मिलेगा कोशिश करेंगे, आएंगे यहाँ पे और आपके स्कूल के अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और MSDM स्कूल तो ये ऐसे हैं, अगर ये कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो हमारी जो टीम है वो आगे नहीं बढ़ेगी, स्मूथली जो है डिब्बा नहीं चल पाएगा। तो ये मैम का भी धन्यवाद है कि हमें जो है हमेशा पुश करते हैं कार्य करने के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू आप सभी।